हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। आज अपन बात करेंगे मास्को बदक के बारे में। देखिए, मास्को बदक है, ये मास्को बदक के बच्चे हैं। ये बहुत ही चंचल और बहुत ही अच्छे रहते हैं बदक, लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये ज़्यादा सूखे में रहना पसंद करते हैं और इनको सूखा बदक ही बोलते हैं। और ये लोग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लोग अब पहले से काफ़ी बड़े, ये लोग कोई कोई इसमें 1.5 महीने के भी हैं, कोई कोई एक एक महीने के भी हैं। तो ये जो हैं, ये पानी में ज़्यादा नहीं रहते, तो जिनके पास पानी उनी की सुविधाएं नहीं हैं वो ये वाली बदक पाल सकते हैं। और ये एक्चुअल में नॉर्मल बदक जैसे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा उड़ते भी हैं। तो जैसे ही अगर ये 6 महीने 7 महीने के हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इनके जो पर हैं वो पर को एक बार काटना होगा, क्योंकि अगर ये एक बार उड़ जाए तो इनमें भारी इतना वज़न होते हैं ये कि दोबारा जल्दी लौट करके नहीं आ पाते हैं ये। और अगर आपको फ्री फ्लाइंग में रखना है तो शुरू से फिर इनको हैबिट करनी होगी और आपको ऐसा आदत दिलाना होगा। तो ये बदक अक्सर अगर उड़ान भरते हैं तो फिर वापस नहीं आ पाते हैं। और हालांकि ये बदक इतना मतलब स्पेशल है, जैसे कि कहना चाहिए स्पेशल इसलिए बोल रहे हैं कि एक तो देखने में खूबसूरत भी लगता है और इसका वेट भी बहुत है, उसके बाद भी ये इतना अच्छा उड़ान भरते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। तो अगर मास्को बदक का फ्लाइंग देखना है तो कभी दिखाएंगे भी, उसको भी दिखाएंगे आपको। पर ये मास्को बदक जो है हमारे पूरे इंक्यूबेटर से निकले हैं। आज वीडियो कल वीडियो करके हमारे एक मित्र ने कहा कि सर इसको भी बताएं बोल करके। तो इसमें 2 वाइट पेपकिन के बच्चे भी हैं और भी वाइट पेपकिन के बच्चे हैं। तो जब एक बार बड़े हो जाएंगे उसके बाद फिर हमको इनको मिलाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और अगर छोटे बच्चों को आजकल परसों ऐसा अगर एक साथ मिला दिया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है, क्योंकि ये लोग दबा भी देते हैं पैर से। तो इनको मिलाने का सीधा सीधा तरीका है कि भले ही 1.5 महीने का बदक 1.5 महीने का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी वाली बदक भी थोड़ा सा हाथ पैर तगड़ा हो जाए, उसका मजबूत हो जाए, उसके बाद अगर आप मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें भी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप हमने ऑटोमेटिक पानी सिस्टम लगाया है इसमें, और दाना तो फिर जान ही रहे हैं, इनका चावल बॉयलर जो भी है वो दे सकते हैं। अब करते हैं मास्को बदक में स्पेशली उसकी बात की इनका वेट, इनके वेट के बारे में। तो इनका वेट जो है, मेल का वेट 4 किलो आसपास चला जाता है, फीमेल का वेट वही 3 किलो 2.5 किलो तक चला जाता है। और इनका प्राइस जो है, प्राइस इनका हाई रहता है, इनका प्राइस वही करीबन 400-500 रुपये किलो आसपास चलता है हमारे इधर। तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों, इसकी फार्मिंग अगर आप कर सकें तो। बट इसमें एक माइनस पॉइंट और है जो कि हमने देखा, ये वाइट पेपकिन बदक जो है ये इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं, इतनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इनको पार कर जाते हैं। लेकिन छोटा बच्चा, इसका जो छोटा बच्चा होता है, इसका छोटा बच्चा अगर आप कहीं मार्केट से ले रहे हैं तो सावधानी रखिए कि थोड़ा हेल्दी रहें, अच्छे रहें और ज़्यादा दिन के रहें। वैसे तो बदक में कोई वैक्सीन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी इनका खाना और देख रेख थोड़ा सा बचपन में लगेगा इनको, है ना, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इनको सही तरीके से नहीं देख पाएंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इनके सिर में और इनके बगल में थोड़ा बाल कम है। बाल कम का मतलब यह है कि जैसे ही इनका थोड़ा सा खाना कम होता है या तो फिर एक जगह छोटा जगह में रहने से ये लोग एक दूसरे को नोचते हैं ऐसा, है ना। तो इसमें देखिए जो येलो येलो हैं, बड़े बड़े हैं, वो लोग वाइट पेपकिन के बदक हैं, बच्चे हैं। तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप जैसे देख पाएंगे। और इनकी विशेषताएं यही है कि ये लोग अंडे, अगर आप इनको अंडे पे नहीं बैठाएंगे तो बहुत जल्दी। और एक विशेष बात ध्यान रखिए कि ये किसी भी मुर्गी के, जैसे मुर्गी के, ये हर फार्म में होना चाहिए दोस्तों। अगर ये फार्म में है तो आपको फिर इंक्यूबेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी छोटे फार्मर को, क्योंकि ये जो है चाहे टर्की का बच्चा हो वो भी निकाल देगा, मुर्गी का बच्चा हो वो भी निकाल देगा अपना बच्चा, क्योंकि ये टोटल, ये जो है पूरा कहना चाहिए कि बहुत लंबे समय तक बैठते हैं ये लोग अंडे पे। हाँ, कम से कम 32 दिन तक ये लोग बैठ जाते हैं। तो 32 दिन में आप चाहे कोई सा भी चूजा हो वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक तरीका है सही, अगर आप जैसे निकालना चाहते हैं और चाहे कुछ भी कोई सा भी अंडा आप इनसे निकालना चाहते हैं, मान लीजिए कि देसी मुर्गी के अंडे दिन में निकलते हैं, आपको क्या करना है कि 18 दिन के जो अंडे हो जाते हैं उनको आप 19 से 20 दिन में आप वहाँ से हटा लीजिए, जिनसे इनको पता भी नहीं चलेगा कि भाई बच्चे हुए हैं बोल करके, है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं
हटाने के बाद आपको क्या करना है, एक कार्टून लेना है जिसमें थोड़ा सा भूसा डालना है और एक बल्ब जो कि टेम्परेचर मेंटेन के लिए, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उस पर रख दीजिएगा तो आसानी से वो बच्चे निकल जाएंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा। और स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि आपको इसके पास बच्चे नहीं निकालने हैं, इनके पास बच्चे निकालेंगे तो फिर ये काफ़ी लंबे समय लगाएंगे और लंबे समय लगाएंगे तो फिर आपको दिक्कत जाएगा। ओके, तो वैसी है दोस्तों। तो बाकी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी भी भाई को अगर चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया रहेगा। ये मास्को बदक है, मास्को बदक के भी काफ़ी डिमांड है इनके भी मार्केट में, तो कोई भाई अगर सूखे में बदक पालना चाहता है तो बिल्कुल आप इस फार्म को, इस काम को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम जगह के अंदर में ये बहुत अच्छा मार्जिन प्रॉफिट दे करके जाता है। अब ऐसा है कि अगर कोई एक मुर्गी रखेगा तो कम प्रॉफिट आएगा, वैसे ही आपको फार्म को फार्म बनाना होगा और काफ़ी ब्लॉक में और अच्छे स्तर पर रखना होगा तभी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर काम खुद से करें बोल करके, अगर दूसरे किसी से करवाना है तो फिर ब्लॉक में रखना होगा ताकि उनका खर्चा वर्चा भी मेंटेन हो जाए। आने वाले समय में घर से ही फूड वूड बनाने का तरीका, कैसे बदक का स्पेशल फूड अपन बना सकें घर में जो कि हमको थोड़ा सस्ता पड़े और अच्छा रहे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और स्पेशली ये जो पंख खा रहे हैं इनका भी एक रीज़न है, जैसे कि इनको चूना कैल्शियम की कमी प्लस विटामिन्स की कमी, तो अभी इनको बाहर चरने के लिए ये मांग रहे हैं। तो अगर ऐसे आप पिंजड़े में रखेंगे तो ये एक समझो कि ये बहुत बड़ी बात है, आज हम इनको बाहर निकालने वाले हैं। आजकल वीडियो बनाएं इसीलिए ऐसा सोच रहे थे, तो आजकल वीडियो बनाएंगे बोल रहे थे, तो आज भाई इनको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के पहले एक वीडियो हो जाए, क्योंकि आज आप ऐसा देख रहे हैं कि पंख निकला हुआ है बोल करके। कल एक और वीडियो बनाएंगे आपको जिसमें कि लगेगा कि नहीं भाई चलो कम से कम ठीक हो गए बोल करके। अब ये बच्चों में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये बच्चे 1.5 से 2 महीने के हो गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब बाकी आपको अगर कोई भी बदक चाहिए, जैसे खाकी कैम्बल चाहिए, मास्को बदक चाहिए, चाहे वाइट पैकिंग चाहिए, तो बिल्कुल आप संपर्क कीजिए हमसे, हमारे नंबर पर फ़ोन कीजिए, है ना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और वो नहीं हो पा रहा तो कम से कम कमेंट कीजिए। हाँ, वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे हमारी इच्छा बनी रहती है वीडियो बनाने की, और हमारे भाई फार्मर लोग जो हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट खास वीडियो हम बहुत मेहनत से लेकर के आते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे सब आंसर देने के लिए। ओके, थैंक्स यू, धन्यवाद।